हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कैरियर विजन में। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे 20 फरवरी के जॉब्स की, और काफी अच्छे जॉब्स आए। स्कूल में भी है काफी, भवंस हो गया, दिल्ली पब्लिक स्कूल होकर, बाकी स्कूल नागपुर के, बाकी कंपनियों भी बहुत सारे जॉब है कंपनियों में, और चंद्रपुर और भंडारा उस रीजन में भी हमने जॉब डाले हैं वर्धा के लिए। और दोस्तों आपका जो रिस्पॉन्स आ रहा है अच्छा है इसमें मेंबर्स ग्रुप में, और उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सभी लोगों का जो जो अभी तक मेंबर्स बने। जो नहीं बने वो जल्दी से जल्दी बने, ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई भी जॉब आपसे छूटा नहीं। क्योंकि आपको पता है मेंबर्स बनने का फायदा ये होता है कि जो भी मैं जॉब डालता हूँ वो 2 दिन तक मेंबर्स ग्रुप में रहते हैं, मतलब बाकी लोगों को देखने के पहले आपको उसकी छूट मिलती है देखने के लिए, और आप सबसे पहले वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि मेंबर्स ग्रुप में जैसे जॉब आते हैं उसी दिन में यहाँ पे सेम डे पोस्ट हो जाता है, और 2 दिन बाद फिर ये जॉब सभी के लिए खुल जाते हैं। तो पहला जॉब हम लोग दोस्तों पहला जॉब हम लोग देखेंगे, और ये कस्टमर मैनेजर कलेक्शन, जिसको आप बोल सकते हैं कलेक्शंस मैनेजर। कलेक्शन मैनेजर का काम ये होता है कि जो भी ईएमआई या होम लोन्स रहती वो उसका कलेक्शन करना कस्टमर के पास जाके, वो काम होता है कलेक्शन मैनेजर का। और ये निकला एक रिप्यूटेड महिंद्रा में, महिंद्रा ग्रुप में, महिंद्रा होम फाइनेंस है, महिंद्रा होम फाइनेंस में कलेक्टर सॉरी कस्टमर मैनेजर का जगह निकला है। और इसके लिए आपका जो क्वालिफिकेशन है वो 12वीं पास होना चाहिए, ग्रेजुएट अगर है तो बेस्ट है, अगर आप नहीं हो 12वीं पास है, 12th पास है, अंडर ग्रेजुएट, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आपको कोई अनुभव की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप फ्रेशर रहे तो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे एक्सपीरियंस कैंडिडेट का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर है तो बेस्ट है आपको। और ये है स्मार्टफोन आपको होना जरूरी है, ठीक है ना, फिर आपके पास 2-व्हीलर होना जरूरी है, और उसका लाइसेंस भी आपके नाम पे होना जरूरी है। सो ये अलग अलग रिक्वायरमेंट है महाराष्ट्र में, अकोला में है, वाशिम में, अमरावती, नागपुर, सावनेर, यवतमाल, चंद्रपुर, चंद्रपुर में गढ़चंदरी, वरुणा, सावनेर में सावनेर, काटोल, नरखेड, नागपुर में अगर देखा जाए तो नागपुर है, रामटेक है, उसके बाजू में उमरेड है, वाड़ी, आरवी, हिंगानघाट हो गया, पुलगांव हो गया, वर्धा हो गया, समुद्रपुर हो गया। अमरावती में आप अगर देखोगे तो अमरावती, दरियापुर, दामनगांव, मोर्शी, पारतवाड़ा, मतलब इतने सारे लोगों के लिए ये आराम से आप पार्ट टाइम भी जॉब कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि फुल टाइम ही आपको करना है, आप चलते चलते भी जॉब कर सकते हैं। आपके पास गाड़ी, आपके पास टाइम है तो आप जरूर ज्वाइन कीजिए, एक्स्ट्रा इनकम मिलेगा, और सबसे बड़ी बात तो आप महिंद्रा के इस पे रहोगे, अधीन में काम करोगे तो बेस्ट है। और इसके लिए वॉक इन इंटरव्यू होगा, वॉक इन इंटरव्यू दोस्तों आज की शनिवार है, और आज 20 तारीख है, 20 फरवरी है आज की, सो आज और 21 फरवरी 2 दिन, मतलब कल संडे है, तो 20 और 21 2 दिन इसका वॉक इन इंटरव्यू चलेगा, सवेरे 10 से लेकर शाम को 5 बजे तक। अभी मान लीजिए जो हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो गए मेंबर्स ग्रुप में, उनके लिए ये फायदा है क्योंकि उनको ये आज ही अप्लाई करना पड़ेगा 20 तारीख को, क्योंकि उनको दिख रहा होगा ये वीडियो, और बाकी लोगों के लिए हमारा वीडियो 22 तारीख को दिखेगा, तो उसके लिए सॉरी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए आप एक काम कर सकते कि आपने मान लीजिए यहाँ पे अटेंड नहीं कर पाया, तो आप ये ईमेल है careers.homefinance@mahindra.com पे आप अप्लाई कर सकते हो, या patil.nitin8@mahindra.com पे आप अपना रिज्यूम भेज सकते हो, जिस लोकेशन के लिए आप जॉब चाहते हो उस लोकेशन के लिए। या फिर मान लीजिए अगर जगह खाली है तो ये नागपुर सामनेर वाले लोग, ये एड्रेस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, मेन एसटी बस स्टैंड गणेशपेट नागपुर में एड्रेस है, यहाँ जा सकते हैं। यवतमाल वाले, ये यवतमाल में आप एड्रेस देख रहे हो, यहाँ पे नोट कर लीजिए, यहाँ जा सकते हैं। चंद्रपुर वाले, चंद्रपुर की इसमें वॉक इन इंटरव्यू आप डायरेक्ट जा सकते हैं। तो ये बेस्ट जगह है 12th पास के लिए, जिसके पास गाड़ी है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। पेमेंट और उसका पूरा डिटेल बाकी आपको वो इंटरव्यू में ही बताएंगे। सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों, ये है विजय वर्गी इंफ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड, इंजीनियरिंग कंपनी है, और यहाँ पे जो जगह निकला है वो ऑफिस एग्जीक्यूटिव का है। ऑफिस एग्जीक्यूटिव के लिए 2 पोस्ट निकले, इसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, और इसके लिए आपको एमकॉम, बीएससी या डिप्लोमा इन बी या बी अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल में अगर है, या डिप्लोमा आपका है, या फिर एमकॉम बीएससी है और आपको कंप्यूटर में अच्छा नॉलेज है, एक्सेल में आपको गुड वर्क है, और आपको 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये रहेगा परचेस डिपार्टमेंट में नागपुर ऑफिस के लिए। दोस्तों इसी कंपनी में विजय वर्गी में दूसरा जो रिक्वायरमेंट है वो अकाउंटेंट के लिए, इसके लिए 2 पोस्ट आई है, और ये दोनों पोस्ट नागपुर ऑफिस के लिए, उनके लिए इसके लिए कम से कम बीकॉम एमकॉम होना जरूरी है, 2 साल का आपको एक्सपीरियंस अगर है तो आप अप्लाई कर सकते हो अकाउंट और टैली की नॉलेज के साथ में। इसका वॉक इन इंटरव्यू होगा 22 और 23 फरवरी को, है ना, सो आप इसमें जा सकते हैं सवेरे सॉरी दोपहर में 3 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक, जो एड्रेस दिया और मेल आईडी भी दिया दोस्तों। उसके बाद फ्रेशर और एक्सपीरियंस टेलीकॉलर है, जो लेडीज मेल फीमेल दोनों अगर टेलीकॉलर देख रहे हैं तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। NM फिनसर्व अम्बेडकर स्क्वायर, ये एड्रेस दिया है पूरा और नंबर भी दिया है, कोई भी नंबर पे कॉल करके उनसे पूछ सकते हैं। टेम्पल बाजार सीतावटी में भी कुछ ऑफिस के लिए अनुभवी अकाउंटेंट जी और लड़की है,
ठीक है ना, वो भी यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 7798328962 पे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दोस्तों, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के लिए रिक्वायरमेंट है, चार रिक्वायरमेंट है और ये वीबीडी पब्लिकेशन है। वीबीडी पब्लिकेशन जो है वो एजुकेशनल रिलेटेड बुक्स का पब्लिकेशन हाउस है, सिलेबस के हिसाब से ये बुक्स पब्लिश करते हैं स्कूलों के लिए। तो जो लोग एजुकेशन इसमें सेल्स में अगर देख रहा है पूरे महाराष्ट्र में, तो उनके लिए एक जगह आई है, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। 236 सिंगाड़ा मार्केट बिसाइड गणेश टेम्पल नियर रामकुलन नवी शुक्रवारी नागपुर में, ठीक है। आपको वॉक इन इंटरव्यू में जाना पड़ेगा 20 फरवरी आज के दिन और 22 फरवरी मंडे को, दो दिन इंटरव्यू होगा इसका। मान लीजिए आज 20 तारीख को आप अटेंड नहीं करते तो आप 22 तारीख को मंडे को आप इंटरव्यू अटेंड कर सकते 11 से लेकर 5 बजे तक। लेकिन आपको एक्सपीरियंस चाहिए 1 साल का इनी मार्केटिंग फील्ड में, कोई भी मार्केटिंग का काम किया हो आपने, जरूरी नहीं कि आपने स्कूल में ही काम किया हो कोई भी, तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। फिर टीम की एरिया नागपुर में सोन पापड़े की एक फैक्ट्री है, अगर कोई फीमेल अकाउंटेंट उस साइड में अगर जॉब देख रही है तो उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी, वो वहां पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। फिर दोस्तों श्रीराम मंदिर है, श्रीराम मंदिर में साफ सफाई के लिए लड़का चाहिए और कंप्यूटर का नॉलेज अगर है आपको, कंप्यूटर में प्रशिक्षित ऑलराउंडर काम करने वाला ड्राइवर चाहिए, ठीक है। सो ये ड्राइवर की और ये आदमी की रिक्वायरमेंट है, मल्टी टैलेंटेड अगर आदमी मिल रहा तो उसके लिए बेस्ट है, वो जा सकते हैं मानेवाड़ा रोड नागपुर में दोस्तों। नेक्स्ट एक गवर्नमेंट का जगह है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जो जगह ही है वही विधि अधिकारी है ना, फिर प्रबंधक है टेक्निकल सिविल, सहायक प्रबंधक है राजभाषा, सहायक प्रबंधक शिष्टाचार एंड सुरक्षा। अब पहले ही केस के लिए जगह 11 है, फिर एक जगह, फिर 12 जगह राजभाषा के लिए और सहायक प्रबंधन के लिए 5 जगह है दोस्तों। इसका जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज है वो 27 फरवरी का जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज के बाद का जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज, इसमें इसका पूरा डिटेल दिया है रोजगार समाचार में। अगर आप चाहिए तो हम इसके ऊपर एक आध वीडियो अलग से बना लेंगे मेंबर्स के लिए, ठीक है। और इसका जो ऑनलाइन खुलेगा फॉर्म वो 23 फरवरी से खुलेगा, तो 10 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हैं शाम को 6 बजे तक, ठीक है। इसको ऑनलाइन एग्जाम रहेगा और रहेगा 10 अप्रैल। पूरा डिटेल आपको इनके वेबसाइट जो है www.rbi.org.in पे आपको मिल जाएगा दोस्तों। उसके बाद हर्बल पेस्ट कंट्रोल है, उसके लिए हर्बल पेस्ट कंट्रोल टेक्नीशियन चाहिए, 4 व्हीलर ड्राइवर चाहिए और एक सेल्स एग्जीक्यूटिव चाहिए। उसके लिए आपको कॉन्टेक्ट करा है जो नंबर दिए दोनों दाभा नागपुर में दोस्तों। आपको इसके लिए काम करने के लिए कंप्यूटर की जानकारी के साथ लेडीज का रिक्वायरमेंट आया है, वो पेंशन नगर में कॉन्टेक्ट कर सकती है जो नंबर दिया है। फिर एक कंप्यूटर डॉक्टर का रिक्वायरमेंट है जिसको स्टॉक इन्वेंट्री का नॉलेज हो, सेल्स का नॉलेज हो, ठीक है ना। फिर ड्राइवर चाहिए उनको और क्लीनर चाहिए। एक कॉन्टेक्ट करना है आपको डॉक्टर रिचास यूनिक क्लिनिक, फेमस है डॉक्टर रिचास यूनिक क्लिनिक, गांधी ग्रीन मार्केट, टेलीफोन एक्सचेंज चौक नागपुर में, ठीक है। आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 9422880029 पे दोस्तों। उसके बाद डिलीवरी बॉयज वो कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए चाहिए मेल फीमेल, यह है अनिल पेपर एंड स्टेशनरी, गांधी चौक सदर नागपुर में, ठीक है। मान लीजिए इनका अगर स्टेशनरी का दुकान है, माल इधर के उधर पहुंचाने के लिए उनको डिलीवरी बॉय चाहिए, डाटा रेडी करने के लिए कुछ कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए, तो अच्छा जॉब है, बैठे बैठे भी आप पैसा कमा सकते हैं, डिलीवरी बॉय के हिसाब से भी आप पैसा कमा सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दोस्तों कृषि विज्ञान केंद्र है दूध बर्डी कर्मेश्वर में, सो कर्मेश्वर नागपुर के पास, और इसके लिए जो जगह निकली है ये है प्रयोगशाला तंत्र, ठीक है ना। इसके लिए अपन शुरू से पढ़ते हैं कृषि विज्ञान केंद्र करते हैं इनका। कृषि विज्ञान केंद्र के लिए विषय तज्ञ, प्रक्षेत्र व्यवस्थापक, प्रकल्प सहायक और तांत्रिक पद जो भी टेक्निकल पोस्ट है, कुशल अकुशल, कुशल सहायक व सहायक कर्मचारी, ये तात्पुर्य तरह से मतलब कंट्राक्टी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रहेगा 11 महीने के कॉन्ट्रैक्ट के लिए, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रहेगा 11 महीने के लिए, ठीक है। और इसके लिए आपको अप्लाई करना है www.mfsu.in पे, ठीक है। और ये अर्जक खालिल का रहा है 8-3 मार्च तक शाम को 5:30 बजे तक आपको अप्लीकेशन भेजना है, ये नागपुर पशु वैद्यकीय महाविद्यालय नागपुर में, ठीक है। और इसका पूरा डिटेल आपको mafsu.in पे मिल जाएगा दोस्तों। उसके बाद ऑफिस के लिए कुछ लड़के लड़कियां चाहिए, डिलीवरी के लिए भी कुछ लड़कों की रिक्वायरमेंट आई है धीरज एजेंसी में, एजेंसी है जरीपटका में, तो जो जरीपट के आसपास रहते हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, नंबर भी दिया, नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद वांटेड यंग एक्टिव एक्सपीरियंस अकाउंटेंट, ठीक है, इसका रिक्वायरमेंट है जिसको टैली वैली का नॉलेज है, वो यहाँ कृषि क्रांति ट्रैक्टर्स में अप्लाई कर सकता है, धनवटे आश्रम शनि मंदिर रोड सीताबर्डी नागपुर में,
ठीक है। उसके बाद एक्टिव एक्सपीरियंस सेल्स एग्जीक्यूटिव का रिक्वायरमेंट है, फिर पार्ट टाइम एक्सपीरियंस कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए सेम कृषि केंद्र में, जो मैंने इधर पढ़ाया वो इधर इन्होंने दिया है, दोनों जगह पे रिक्वायरमेंट अलग अलग है, ये सेल्स के लिए है और ये अकाउंटेंट के लिए। फिर दोस्तों नरेंद्र नगर में, नरेंद्र नगर के ऑफिस में टेलीकॉलिंग के लिए रिक्वायरमेंट है, लड़की चाहिए वहाँ पे और कंप्यूटर का नॉलेज रहेगा, और आपका क्वालिफिकेशन चाहिए 12 पास, अगर आपका कंप्यूटर वर्क का नॉलेज है तो और टेलीकॉलिंग का काम करना है तो आप सवेरे 10 से लेके 5 बजे तक आप जा सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, और दोस्तों आपको हमारे जॉब अच्छे लगते जरूर लाइक और सब्सक्रिप्शन करते रहिए, और ज्वाइन करने के लिए मेंबर्स ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए आप ज्वाइन का ग्रुप दबा सकते हैं। सब्सक्रिप्शन रहने का फायदा ये होगा कि जब भी हम लोग जॉब डालेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत आ जाएगा। दोस्तों उसके एनआईटी में फैकल्टी कम काउंसलर चाहिए, ठीक है। एनआईटी वर्ल्ड्स लीडिंग स्किल्स एंड टैलेंट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, और ये इनका प्रोफेशन चाहिए सी, सी प्लस प्लस, जावा सीरीज में एंड्रॉइड और ASP.NET वगैरह सब टीचिंग का पूरा दिया है यहाँ पे। सैलरी आपको अच्छी मिलेगी, और इसका इंटरव्यू 19 और 20 आज के डेट में उसका इंटरव्यू होगा, ठीक है ना। इंटरव्यू के लिए पूरा दिया है, और जो इंटरव्यू नहीं आ सकते वो career.nitnagpur@gmail.com पे आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का रिक्वायरमेंट आया है, मेल कैंडिडेट चाहिए जिसका गुड कम्युनिकेशन है, वो JOFFICE@NJP@gmail.com पे कर सकते हैं, ये नागपुर डिस्ट्रिक्ट है। फिर कंप्यूटर ऑपरेटर का रिक्वायरमेंट है ना, ये यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, 6:30 से 3 बजे तक टाइमिंग रहेगा उनका, और 3 to 11 बजे मतलब 2 शिफ्ट में शायद काम करना पड़ेगा। आपको रिज्यूम भेजना है VijuKumar66@gmail.com। दोस्तों कुछ 12वीं ग्रेजुएट लड़की चाहिए जो 12वीं पढ़े लिखे और ग्रेजुएट भी है, तो वो मार्केटिंग अकाउंट के लिए आप जा सकते हैं। फिर गोडाउन हेल्पर का रिक्वायरमेंट आया है, वहाँ पे 2-व्हीलर चाहिए आपके पास लाइसेंस के साथ में, तो आप सीवनरी ट्रेड लिंक पे आप कॉल कर सकते हैं गांधीबाग में, जो नंबर दिया इस नंबर पे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दोस्तों, एक भारतीय नौसेना है गवर्नमेंट के लिए, यहाँ पे ना ट्रेड्समैन मेट के लिए कुछ अप्लीकेशन या उसके लिए कुछ ऑनलाइन रिक्वायरमेंट चालू है ट्रेडमैनशिप मेट के लिए, तो इसके लिए आप भर सकते हैं। पूरा डिटेल आपको मिलेगा joinindiannavy.gov.in पे। ईस्टर्न नेवल कौन कौन से कमांड का रहेगा, वेस्टर्न सदर्न नेवल, तो इसमें अनरिजर्व के लिए 303, इसमें 133 और इसमें 57, SC के लिए 116, 48, 16, SC के लिए 57, 24 और 2, OBC के लिए 163, 87 और 37, EWS के 71, 32, 13, तो ये जगह है 710, 324 और 125। सबसे ज्यादा जो जगह ईस्टर्न नेवल कमांड में है 710, सो इसका पूरा डिटेल दिया है, और इसका पूरा आपको जो एज ग्रुप है वो 18 से लेकर 25 साल तक चाहिए। आप कोई भी स्कूल अच्छे वाले बोर्ड से आपका 10th होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। IT अगर है तो उसके लिए बेस्ट है, और ये joinindiannavy.gov.in, ये आप ये जो पूरा इनका लिंक दिया है एप्लीकेशन किस तरह से करने का, वो पूरा आप यहाँ पे उनके ग्रुप में जाके, वेबसाइट में जाके आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर कुछ नॉलेज होना तो आप मेंबर्स ग्रुप में अगर है तो हम आपको अलग से इसका कोई रिक्वायरमेंट आती है आपकी तरफ से तो हम डिटेल शेयर करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दोस्तों, मैनेजर कम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर चाहिए नागपुर में, और ये अंबोरे मैटरनिटी और नर्सिंग होम में, ठीक है। इनका एड्रेस दिया है आपको, यहाँ पे 30 मार्च 2021 तक अप्लाई करना है। अगर आप BSc है, पोस्ट ग्रेजुएट है ना, आपका एज अगर 45 साल तक है, आप साइंस ग्रेजुएट है, BSc अगर है, तो आपके लिए ये जगह है, और आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन का काम करने का, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं 9423054094 पे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दोस्तों, ये है वॉक इन इंटरव्यू IT फील्ड के लिए। अब आपके लिए पाइथन डेवलपर चाहिए पहला जो पोस्ट है, फिर फुल स्टैक जावा डेवलपर चाहिए, जावा डेवलपर जो 2 से 8 साल का एक्सपीरियंस है उसका रिक्वायरमेंट है, SQL डेवलपर का रिक्वायरमेंट है। दोस्तों जावा डेवलपर का रिक्वायरमेंट है, SQL डेवलपर का रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और इसका इंटरव्यू फ्राइडे 19 और आज 20 फरवरी को भी इसका इंटरव्यू होगा, ठीक है। जो मेंबर्स है वो अगर इसमें अप्लीकेबल है तो आज इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। और दोस्तों ये IT पार्क में होगा, गायत्री नगर में, तो आप जो नंबर दिया 9545904455 पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। फिर दोस्तों अकाउंटेंट चाहिए, अकाउंटेंट के लिए आपको अल्पो मोटर्स में कॉन्टेक्ट करना है, गांधी बाग चौक, सोना रेस्टोरेंट बिल्डिंग,
नंबर दिया, नंबर पे आप कॉन्टेक्ट। फिर दोस्तों वेराइटी स्पोर्ट्स की दुकान में काम करने के लिए कुछ लड़के लड़कों का रिक्वायरमेंट आया है, यह है वेराइटी स्पोर्ट्स इंटरनेटी मॉल के सामने महाराज बाग नागपुर। फिर उसको सलवार सूट के काम, इसमें सेल्समैन सेल्स कल चाहिए 8,000 से लेकर 15,000 तक सैलरी प्लस कमीशन रहेगा। कंप्यूटर ऑपरेटर भी चाहिए वहां पे, जिसका पेमेंट 5,000 से लेकर 8,000 तक देगा। हेल्पर गर्ल्स बॉय चाहिए, जिसका पेमेंट 5,000 से लेकर 8,000 तक रहेगा। आपको संपर्क करना है, नंबर जो दिया है उसके ऊपर। नेक्स्ट उसको ये VNIT में जगह निकला है, इसमें जो रिक्वायरमेंट है वो प्लेसमेंट एग्जीक्यूटिव का रिक्वायरमेंट है। प्लेसमेंट एग्जीक्यूटिव के लिए आपको अप्लाई करना है www.vnit.ac.in पे, ठीक है। ये जगह इसमें रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रहेगा टोटली, ये रेगुलर पोस्ट नहीं है। और इसमें लिखा है द अपॉइंटमेंट विल बी इनिशियली फॉर 6 मंथ, एक्सटेंडेड बाय अनदर 6 मंथ्स डिपेंडिंग ऑन परफॉर्मेंस ऑन प्योरली कॉन्ट्रैक्टल बेसिस। फॉर क्वालिफिकेशन एंड अदर डिटेल्स प्लीज विजिट ये वेबसाइट। और लास्ट डेट है एप्लीकेशन का 26 फरवरी के पहले आपको यहाँ पे एप्लीकेशन करना है। नेक्स्ट है दोस्तों उत्सव बाजार है। उत्सव बाजार में ना लेडीज रिटेल क्लॉथिंग शोरूम मोदी नंबर 2 में सेल्समैन और सेल्स गर्ल्स का रिक्वायरमेंट आया है। 7,000 से लेकर 15,000 तक आपको पेमेंट मिलेगा। फिर देखा दवाखाना में काम करने के लिए भी सिस्टर चाहिए, मौसी भाई चाहिए, आया चाहिए, है ना। ये त्रिमूर्ति नगर एरिया में जो है और जिनको एक्सपीरियंस नहीं वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में ग्रेजुएट और अनुभवी सेल्समैन तथा सेल्स मैनेजर चाहिए, वो श्रीकांत इलेक्ट्रॉनिक्स में कांटेक्ट कर सकते हैं सुभाष रोड नागपुर में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सिग्मा कंप्यूटर से। सिग्मा कंप्यूटर में पार्ट टाइम फुल टाइम पाइथन एंड IoT डेवलपर चाहिए, इसके लिए MSc और MCM BE आपका कंप्यूटर में होना बहुत जरूरी है। सो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं पूरा डिटेल में। फिर एक्वागार्ड वाटर ट्रीटमेंट में कुछ लड़के लड़कियां चाहिए, है ना। दोस्तों मैं थोड़ा सा यहाँ पे हो सकता है कि मैं थोड़ा सा स्पीड में भी बता पाऊंगा, क्योंकि कैसा है कि वीडियो में एड्स बहुत, मतलब बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट आया है। सो उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा, एक 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 वीडियो स्टॉप करके आप देख सकते पढ़ सकते। फिर NMRDA सेक्शन लेआउट में भी कुछ सेल्स एग्जीक्यूटिव चाहिए। फिर 3-व्हीलर ड्राइवर चाहिए, 3-व्हीलर ड्राइवर कम डिलीवरी मैन भी चाहिए। हमारे क्या काम चाहिए, डिलीवरी मैन पर भी माल देने के लिए आदमी चाहिए सुरभि ट्रेडर्स में, ठीक है। वो यहाँ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं नंबर पे। फिर वर्धमान में पानी प्लांट में भी टाटा एसो 2 गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर की आवश्यकता है, उसको 10,000 तक पगार मिलेगा। बालो के पीछे अमरावती रोड नंबर दिया। फिर गाड़ियों में माल चढ़ा उतर करने के लिए भी कुछ लड़के चाहिए लेबर करके। फिर हार्डवेयर प्रोडक्ट की दुकान में भी कुछ लड़कों का जरूरत है, ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट, ठीक है, वो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं जो नंबर दिया है। दोस्तों आप सब्सक्रिप्शन करते चले, तो जब भी हम लोग जॉब डालेंगे तो आपको उसका डिटेल आते रहेगा। नेक्स्ट दोस्तों ये टेक लीला है। टेक लीला में जो जगह है वो PHP डेवलपर के लिए है, वर्डप्रेस डेवलपर, वेब डिजाइनर, डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर, कंटेंट डेवलपर, ठीक है। इसके लिए एक्सपीरियंस है 1 से 3 साल का सभी के लिए। सो जिनको एक्सपीरियंस है, ठीक है ना, अलग अलग HTML ये जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप देख लिए। IT रिलेटेड रिक्वायरमेंट है पूरा, ये SEO का काम वगैरह भी दिया, सर्च इंजिन का वगैरह, वेब डिजाइनर के लिए, डिजिटल मार्केटिंग के लिए SEO जरूरी है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। फिर कंटेंट डेवलपर के लिए भी आपको कंटेंट का काम आना चाहिए, आपको इंग्लिश अच्छा चाहिए, कीवर्ड रिसर्च का आपको नॉलेज चाहिए। सो इसके लिए आपको अप्लाई करना है info@techlila.com पे। एड्रेस दिया है, आप कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं पार्वती नगर नागपुर में। दोस्तों फिर एक्सपीरियंस कंटेंट राइटर अगेन है, क्या है कंटेंट राइटर के लिए, ये है आपको career@global.edu.in पे आपको कॉन्टेक्ट करना है, नंबर से दिया नंबर पे। और एक बैक ऑफिस के लिए भी है यहाँ पे, इंटर्न्स फॉर बैक ऑफिस फॉर वर्क विद बेसिक एक्सेल नॉलेज, अगर आपको एक्सेल का नॉलेज है यू कैन अप्लाई है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है, अगर किसी को पार्टनरशिप करना है रियल एस्टेट में, साथ में आप काम करते हैं तो यहाँ पे बिल्डर के साथ कॉन्टेक्ट कर सकते, कुछ प्रॉफिट भी कमा सकते हैं, है ना, कॉल कर लीजिए इनको। फिर अकाउंटेंट का रिक्वायरमेंट है, जिसको GST टैली का रिक्वायरमेंट है। फिर रिसेप्शनिस्ट के लिए रिक्वायरमेंट आया, रिसेप्शनिस्ट कम टेलीफोन ऑपरेटर के लिए, उनके लिए भी अच्छा खासा रिक्वायरमेंट आया है। कंस्ट्रक्शन फॉर्म में ओन कन्वीनियंस और ये सब मिलेगा आपको। फिर टेक्निकल मशीनिस्ट का भी रिक्वायरमेंट है, मिलिंग ऑपरेटर का रिक्वायरमेंट है, लेथ ऑपरेटर का रिक्वायरमेंट है, बिल्डर का, यही नाम है, ये कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 9766591386 पे। दोस्तों उसके बाद वांटेड मेल फीमेल डिप्लोमा होल्डर इन फार्मेसी, अगर आप फार्मेसी में डिप्लोमा है तो आपको पांडे लेआउट में कॉन्टेक्ट करना है खामला में ये नंबर पे। फिर CA ऑफिस के लिए भी कुछ ऑडिट असिस्टेंट चाहिए, कुछ आर्टिकल क्लर्क चाहिए, ठीक है ना, आपको कॉन्टेक्ट करना है PDMCOCA@gmail.com पे।
फिर दोस्तों मेल फीमेल कैंडिडेट का रिक्वायरमेंट है टैक्सेशन अकाउंट्स के लिए, वो आप अपडेट कर सकते हैं सीए फॉर्म में, है ना, भारत 1646@gmail.com पे। फिर सेल्स इंजीनियर का रिक्वायरमेंट है जो बीटेक बी एनी फील्ड, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और एड्रेस आप दिया है सनब्रोस स्पेयर्स प्राइवेट लिमिटेड में, ठीक है। ईमेल आईडी sspl@sunbrosspairs.com पे आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर वॉक इन इंटरव्यू है कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए, ठीक है ना, अगर आपका एमएस ऑफिस अच्छा है। दूसरा है साइंस लैब असिस्टेंट के लिए आया है, और आईटी टेक्नीशियंस के लिए रिक्वायरमेंट है नॉलेज ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। ये जैन इंटरनेशनल स्कूल में जगह निकला है और एक अटल रोड पे है नागपुर में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए, फिर साइंस लैब असिस्टेंट के लिए और आईटी टेक्नीशियंस के लिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दोस्तों ट्रैवल कंसल्टेंट है, ट्रैवल कंसल्टेंट के लिए एयर टिकट बुकिंग के लिए चाहिए तो ये रिक्वायरमेंट पूरा पढ़ लीजिए। फिर अर्जेंटली रिक्वायरमेंट है मैकेनिकल प्लम्बिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का रिक्वायरमेंट है रियल इस्टेट में, सो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। फिर जो ढूंढ रहे हैं एमएबी के लिए वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर बॉय गर्ल चाहिए मेडिकल स्टोर्स में ओटी टेक्नीशियन के हिसाब से, वो यहाँ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। फिर दो तीन साल के लॉजिस्टिक का भी आया रिक्वायरमेंट, लॉजिस्टिक के लिए आप यहाँ पे पैकर्स हेल्पर्स और ड्राइवर तीन रिक्वायरमेंट है, सो तीनों के लिए टाटा एसी गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर भी चाहिए, आपको ऑर्डर करना है 9607049022 पे। फिर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का रिक्वायरमेंट आया है, वो या कॉन्टेक्ट कर सकते हैं नीति गौरव में, ठीक है। फिर शिफ्ट इंचार्ज चाहिए प्रोडक्शन में, ये भिलाई में है दुर्ग में दो जगह पे छत्तीसगढ़ में, 8 साल का अगर आपको एक्सपीरियंस तो आप इसमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ये है ऑर्गेनिक केमिकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वो है मोटर रिमाइंडिंग करने वाले अनुभवी 10 कारागिरों की तुरंत आवश्यकता है, और इसके लिए आपको कॉन्टेक्ट करना है आदेश इलेक्ट्रिकल वर्क सुदर्शन चौक भंडारा रोड नागपुर में, नंबर दिया है। फिर देवनगर खामला में भी कुछ रिक्वायरमेंट है सुपरवाइजर में काम करने के लिए, कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए, सेल्स गर्ल चाहिए, सेल्स बॉय चाहिए। फिर सीतापटी मार्केट के दुकान में भी कुछ रेडीमेड के कपड़े के लिए भी कुछ हेल्पर चाहिए, सेल्स गर्ल चाहिए। फिर स्कूल के टेलीकॉलर के लिए दोस्तों उसको स्कूल के लिए टेलीकॉलर चाहिए, टेलीकॉलर और काउंसलर भी चाहिए, यह किड्स मेंटर ग्लोबल स्कूल के लिए आप यहाँ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर मैरिज ब्यूरो के लिए भी कुछ अनुभवी लड़कियां चाहिए टेलीकॉलिंग के लिए, सो जिनको टेलीकॉलिंग के लिए जाना है कुछ ऑफिस असिस्टेंट के लिए जाना है तो मानेवाला चौक में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। फिर ऑफिस बॉय का रिक्वायरमेंट है ऑफिस काम के लिए, टू व्हीलर और उसके पास होना चाहिए, वो जेपी शर्मा एसोसिएट्स में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इधर से बाहर के लिए भी मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है, दवाई की दुकान में भी कुछ काम करने के लिए अनुभव लड़के चाहिए, ओटी टेक्नीशियन चाहिए, ऑफिस काम के लिए कुछ लड़कियां चाहिए मार्बल क्रिएशन में, वो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। फिर ये मैकेनिकल के लिए, फिर फैस गेटर फिल्टर ये मैकेनिक कारखाने में काम करने के लिए कुछ हेल्पर और ड्राइवर चाहिए। फिर डीएम एलडीएल के लिए भी कुछ बीएचएमएस चाहिए कैंडिडेट, गाड़ी में माल उतारने के लिए भी कुछ हमाल चाहिए 18 से 40 साल के वगैरह, वो यहाँ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इन्विटेस रिसर्च है बुट्टीपुरे में, तो उसके लिए कुछ आरएनडी केमिस्ट चाहिए जिसका 20 पोस्ट खाली है वहाँ पे, एमएससी बीएससी अगर आपका है तो आपको अगर एक्सपीरियंस नहीं भी है और एक्सपीरियंस है तो दोनों इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर ग्रुप लीडर चाहिए, ग्रुप लीडर को भी एमएससी बीएससी लेकिन इसके लिए अनुभव चाहिए 5 से 10 साल का, और जो आरएनडी केमिस्ट है उसके लिए अनुभव नहीं चाहिए, आप फ्रेश अगर बीएससी एमएससी है तो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर मैनेजर के लिए, मैनेजर के लिए 4 पोस्ट है लेकिन उसके लिए पीएचडी एमएससी या बीएससी चाहिए और 8 से 15 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। केमिकल इंडस्ट्री है, और केमिकल इंडस्ट्री ये है बुट्टीपुरे में, इसको आप mkhapekar@inventis.in पे आप अप्लाई कर सकते हैं, ये नंबर पे बेटर वे उनको कॉल करके पूछ लीजिए। फिर दोस्तों पेट्रोल पंप पे काम करने के लिए भी कुछ लेडीज इसकी जरूरत रिक्वायरमेंट है, वो आप कंपनी रोड पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर सुपरवाइजर में काम करने के लिए भी कुछ हेल्पर चाहिए और कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए, वो श्री कृष्ण बाजार सुपरवाइजर मनीष नगर में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर ये है मेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स, मेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स को इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए कुछ रिक्वायरमेंट है नागपुर में, और वो है सेल्स इंजीनियर का रिक्वायरमेंट, जिसको फ्रेश भी है एक्सपीरियंस भी है तो वो सेल्स सर्विस में कॉन्टेक्ट कर सकता है, sales@mectronicsengineering.com पे आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव चाहिए प्राइवेट कंपनी में, सैलरी 6 से 15 हज़ार रहेगी। फिर अकाउंटेंट चाहिए, अकाउंट असिस्टेंट कम रिसेप्शनिस्ट, बीकॉम एमकॉम वगैरह तो आप अप्लाई कर सकते हैं मूर्ति खरे में, ठीक है, खरे टाउन धर्मपेट नागपुर। फिर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव नर्सिंग स्टाफ हो गया, ये आरएनएच हॉस्पिटल में आप अप्लाई कर सकते हैं। और ऑडी गाड़ी चलाने के लिए भी एक
ड्राइवर ड्राइवर चाहिए उसका भी रिक्वायरमेंट है। टैली अकाउंटेंट के लिए भी वर्धमान नगर में रिक्वायरमेंट आई है। नंबर पे कंप्यूटर स्टेशनरी की दुकान में भी कुछ लड़के लड़कियों की रिक्वायरमेंट है, वो या शिवशंकर ट्रेडर्स में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। फिर दोस्तों एक 32 ईयर्स ओल्ड कंपनी महाराष्ट्र में डाइकिन एसी एसी का ये है, तो उसके लिए कुछ स्टाफ का रिक्वायरमेंट है। वो पहला है जो सेल्स एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, फिर साइट इंजीनियर का अनुभव है तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर साइट सुपरवाइजर के लिए भी जगह आई है, उसके लिए भी 5 से 7 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। सेल्स एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए 8 से 10 साल का चाहिए, ठीक है ना। फिर टेक्नीशियंस टेक्नीशियन के लिए आपको 5 से 7 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और पगार 15,000 मिलेगा। तो इस तरह से पोस्ट आई है और इसके लिए आपको qualityone2021@gmail.com पे आपको अप्लाई करना है, मेल पे आपको रिज्यूम भेजना है या 7559334933 पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दोस्तों ये आर्मी पब्लिक स्कूल कामठी, अभी हम लोग चालू करेंगे जॉब स्कूलों के लिए। स्कूल में जो लोग ढूंढ रहे हैं नागपुर में, तो ये आर्मी पब्लिक स्कूल में जो निकले पीजीटी केमिस्ट्री हिस्ट्री और कॉमर्स के लिए, फिर ट्रेन ग्रेजुएट टीचर जो निकला है इंग्लिश एसएसटी मतलब सोशल साइंस और कंप्यूटर साइंस के लिए, पीआरटी प्राइमरी टीचर और मेडिकल असिस्टेंट। मेडिकल असिस्टेंट के लिए जनरली वो नर्स देखते हैं, तो उसके लिए डिप्लोमा इन नर्सिंग होना जरूरी। बाकी के लिए आपके सब्जेक्ट के साथ बीएड होना जरूरी है। सो आपका मेथड में अगर सब्जेक्ट है बीएड में तो आप वेरी गुड यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको डीडी ऑफ ₹100 का इन फेवर ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल काउंटी के नाम पे आपको देना है, वो डीडी ही एक्सेप्ट करेंगे। और आपको यहाँ पे एप्लीकेशन सबमिट करना है 25 फरवरी को, 25 फरवरी तक, ठीक है। और जब भी आपको शॉर्टलिस्ट होगा तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद दोस्तों ताईबड़ी कॉलेज है, ताईबड़ी कॉलेज में एमएससी कंप्यूटर साइंस की जगह है, एमएससी बॉटनी की है, जूलॉजी के, मैथमेटिक्स के, पॉलिटिकल साइंस के लिए रिक्वायरमेंट है। इसके लिए आपको एप्लीकेशन करना है या फिर आप डायरेक्ट जाके उनसे मिल सकते ताईवाड़े कॉलेज कोराडी में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ये दोस्तों दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल मिहान में भी है इनका और एक कामठी रोड पे भी है। सो ये दोनों जगह, दोनों के लिए जगह निकला है। कामठी रोड के लिए पीजीटी चाहिए भाइयों में और बाकी सब्जेक्ट में, टीजीटी चाहिए, पीआरटी चाहिए, मदर टीचर चाहिए, लाइब्रेरियन चाहिए, काउंसलर चाहिए और पीए टू प्रिंसिपल चाहिए। ये हो गया रिक्वायरमेंट कामठी रोड के लिए। और डीपीएस मिहान के लिए टीजीटी ये सब्जेक्ट आप पढ़ लीजिए, पीआरटी, मदर टीचर, प्री प्राइमरी टीचर और काउंसलर, ये मिहान के लिए दोनों ब्रांचेस है डीपीएस की, आप अप्लाई कर सकते हैं। और डीपीएस कमिटी के लिए एड्रेस दिए और ईमेल आईडी दिए info@dpsnagpur.com। मिहान के लिए भी info@dpsmihan.com पे आप अप्लाई कर सकते हैं। सो आपको अगर एक एक पढ़ना है अच्छे से समझना तो आप वीडियो स्टॉप करके भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दोस्तों भारतीय विद्याभवन। भारतीय विद्याभवन एक रिपोर्टेड नेम है नागपुर में और इनमें उनके 6 स्कूल है, तो 6 स्कूलों के लिए जगह निकली है और ये जगह सभी सब्जेक्ट के लिए है। पहले हम लोग देखेंगे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जिसको कहेंगे पीजीटी। पीजीटी ये है, मैं आपको ये बीवीएम सिविल लाइन्स मतलब सिविल लाइन्स का ब्रांच, एस के एंसर के सरागर राष्ट्रीय का ब्रांच, टीएन त्रिमूर्ति नगर का कोराडी और चिंज भवन का ब्रांच में, जैसा इंग्लिश की जगह है तो ये कहाँ खाली है हम लोग देखेंगे। यहाँ पे एक लिखा बीबीएम सिविल लाइन्स में जगह खाली है और एक कोराडी में खाली है, ठीक है। तो आप अगर यहाँ अप्लाई करना चाहते तो वो आप आपके हिसाब से देख लीजिए कौन सी पोस्ट का क्या रिक्वायरमेंट है और कहाँ खाली है, उसके हिसाब से आप वीडियो स्टॉप करके भी देख सकते। और ये है ग्रॉस सैलरी 61,000, ठीक है। ये पे मैट्रिक्स दिया है इन्होंने यहाँ पे 44,900 से लेके 1,42,400 का इनका पे मैट्रिक्स रहेगा, उसके हिसाब से आपको 61,000 पेमेंट मिलेगा। भवंस में ही दूसरी पोस्ट के लिए निकला है ये ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, अभी पीजीटी देगा अभी टीजीटी। अब टीजीटी के लिए भी ये बहुत सारे सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, हिंदी, बायो, ज्योग्राफी, फिजिक्स, इंग्लिश हो गया, मराठी हो गया, एसएसटी इंग्लिश एंड एसएसटी, कंप्यूटर साइंस, काउंसलर, ठीक है। अब इसका रिक्वायरमेंट अलग अलग है, देखिए बीबीएन सिविल लाइन्स में एक कौन सी पोस्ट कहाँ खाली उस हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। जहां जहां भी जो जो पोस्ट खाली है आपके हिसाब से अगर आप उसमें कैपेबल है तो आप पढ़ लीजिए, इसमें भी ग्रॉस सैलरी 53,000 मिलेगा, ठीक है। ये हो गया रिक्वायरमेंट ट्रेन ग्रेजुएट टीचर का। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्राइमरी टीचर्स के लिए। प्राइमरी टीचर्स के लिए भी बीबीएम सिविल लाइन्स में कितने हैं, स्कैन में कितने हैं, कोराडी में कितने हैं, चिंज भवन में कितने हैं, आप कौन से इसमें क्वालिफाई होते हैं, पीआरटी, पीजीटी, टीजीटी, उस हिसाब से मैंने सबका अलग अलग दिया है। उसका पेमेंट भी स्ट्रक्चर दिया है नीचे में, आप पढ़ सकते हैं। लाइब्रेरियन के लिए भी है, फिजिकल एजुकेशन टीचर्स के लिए भी है, मैक्सिमम जगह ये अकेडमिक्स में।
नेक्स्ट हम लोग देखें, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं जो भी आपको लगता है जिस पोस्ट के लिए, क्योंकि एक एक पढ़ ले मैं पूरा पढ़ नहीं पाऊंगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ये है प्री प्राइमरी टीचर्स के लिए, ये सब मैं बता रहा हूँ भारतीय विद्या भवन के लिए। प्री प्राइमरी टीचर्स के लिए भी आप देख लीजिए सब यहाँ डिटेल लिखा है, और कहाँ कहाँ पे सिविल लाइन्स में दो है, यस कैन में एक है, आस्टी में एक है, इसका सैलरी मिलेगा 24,000। फिर प्री प्राइमरी असिस्टेंट टीचर्स के लिए भी आया है, तो ये कहाँ पे जगह खाली वो देख लिया। फिर मिनिस्ट्रियल स्टाफ के लिए मतलब ऑफिस के लिए कहाँ रिक्वायरमेंट आई है, एक है बीबीएम आस्टी में, ठीक है ना, सो आप अप्लाई कर सकते हैं तो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। फिर ऑफिस असिस्टेंट एडमिन मेल के लिए दूसरा रिक्वायरमेंट है, ये है कोराडी में, कोराडी में भी आप जा सकते हैं। फिर ऑफिस असिस्टेंट के लिए फीमेल के लिए भी एक दो तीन रिक्वायरमेंट है, ठीक है, सो अलग अलग के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट है, अकाउंट के लिए वगैरह आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसमें लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए भी है और लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए भी है, ठीक है, और फिर कॉन्ट्रैक्टर स्टाफ का भी रिक्वायरमेंट है इसमें, ठीक है, ये अलग अलग इसके लिए अलग अलग दिया है, तो आप ये पूरा देख सकते हैं वीडियो स्टॉप करके। इलेक्ट्रिकल ऑपरेटर भी चाहिए, कंप्यूटर लैब अटेंडेंट भी चाहिए, नर्स चाहिए, प्लेग्राउंड सुपरवाइजर चाहिए, ट्रांसपोर्ट सुपरवाइजर चाहिए, प्री प्राइमरी एक्टिविटी टीचर चाहिए, प्री प्राइमरी म्यूजिक टीचर, प्री प्राइमरी आर्ट एंड क्राफ्ट तबला टीचर, म्यूजिक टीचर, डांस टीचर, आर्ट एंड क्राफ्ट, फिजिकल एजुकेशन टीचर, पीआरटी। और इसके लिए उन्होंने लिखा है कि ऑन और बिफोर 27 फरवरी तक आपको अप्लाई करना है, जिस ब्रांच के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उस ब्रांच में आप अप्लाई कर सकते हैं, अलग अलग ब्रांच के अलग अलग एड्रेस दिया है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए आपको 4 मार्च तक कैंडिडेट टू कलेक्ट द इंटरव्यू कार्ड फ्रॉम रिस्पेक्टिव स्कूल ऑफिस एज पर द शेड्यूल गिवन बिलो। अब आपने यहाँ पे 27 तारीख को अप्लाई कर दिया तो आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा आपको इंटरव्यू कार्ड अटेंड करने के लिए, पीजीटी के लिए 4 मार्च को, टीजीटी के लिए 10 मार्च को, प्राइमरी टीचर्स के लिए 30 मार्च को, और ये बाकी स्टाफ के लिए 31 मार्च को, ठीक है, सो ये आप देख लीजिए पढ़ लीजिए अच्छे से। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टीचर्स के लिए, ये है किड्स मेंटर ग्लोबल स्कूल, किड्स मेंटर ग्लोबल स्कूल उमरेड रोड पे है दिगोरी में, इसके लिए टीचर चाहिए, अरविंद काउंसलर चाहिए, टेली कॉलर है और क्लर्क के रिक्वायरमेंट है। फिर एमएससी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बॉटनी, फिर एमए और बी आई टी वगैरह, इन टीचर्स का रिक्वायरमेंट है किड्स मेंटर में, आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद हम लोग देखेंगे विदर्भ के लिए, विदर्भ में हम लोग देखेंगे अमरावती के लिए, अमरावती के लिए फ्लोर मैनेजर चाहिए, है ना, शोरूम सेल्समैन चाहिए, दो फ्लोर मैनेजर चाहिए, एक आप अप्लाई कर सकते हैं 9150024। फिर अमरावती में जो दूसरा अली है लास्ट स्टॉप सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड में ऑफिस बॉय चाहिए एक, और हाउसकीपिंग मैनेजर चाहिए एक, पीए फॉर फीमेल डायरेक्टर एक पीए चाहिए, है ना, और इसके लिए आपको ये कॉन्टेक्ट करनी है। फिर संत गुलाब हॉस्पिटल डॉक्टर कॉलोनी तकियाबाद भंडारा में भी रिक्वायरमेंट है, प्रकल्प अधिकारी एक पद, सुपरवाइजर दो, अकाउंटेंट कंप्यूटर ऑपरेटर एक पद, काउंसलर पैरामेडिकल्स, ठीक है ना, ये सब रिक्वायरमेंट है। आप वो जो 21 तारीख को आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कल आज की 20 तारीख है, जो लोग अगर मान लीजिए मेंबर्स ग्रुप में ज्वाइन हो गए तो उन लोग तो तुरंत अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि उनके लिए जॉब पहले दिख रहा है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे भंडारा में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का रिक्वायरमेंट है, 7 पोस्ट है, 5 पोस्ट है फीमेल के लिए, 7 पोस्ट है मेल के लिए, इंटरव्यू है आज 20 तारीख, 21 तारीख और 22 तारीख को, ठीक है, ये रजनी नगर में आपको जाना है, भंडारा में आप डिटेल पढ़ सकते हैं। फिर भंडारा में प्लाईवुड हार्डवेयर का दुकान है, उसके लिए नौकर चाहिए निकिल ट्रेडिंग कंपनी में जैन डेयरी के पास माल रोड भंडारा में। फिर ये टेली कलर का रिक्वायरमेंट है कोचिंग क्लास में, उसके लिए भी आप जा सकते हो। फिर सेल्समैन के लिए कुछ रिक्वायरमेंट है। फिर ये न्यू एरा होंडा का शोरूम है, उसके लिए भी रिसेप्शनिस्ट चाहिए फीमेल, सर्विस एडवाइजर चाहिए, स्पेयर पार्ट मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव चाहिए, अकाउंटेंट चाहिए और हेल्पर चाहिए, मतलब भंडारा के लिए मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है दोस्तों। लाइक और सब्सक्रिप्शन आपका चलता रहे तो जब भी मैं जॉब डालूंगा तो आपसे छूटेगा नहीं और आपको अपडेट मिल जाएगा। आपको पहले जॉब चाहिए तो आपको ज्वाइन होना पड़ेगा मेंबर्स ग्रुप में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दोस्तों चंद्रपुर के लिए, चंद्रपुर के लिए आरएनडी मैनेजर चाहिए और ये मल्टी ऑर्गेनाइज्ड कंपनी में जगह है। आपको naukri.com थ्रू अप्लाई करना है, ये उसका डिटेल क्वालिफिकेशन है। फिर दोस्तों दुकान में काम करने के लिए हार्डवेयर के काम के लिए भी कुछ लड़के का रिक्वायरमेंट आया। फिर ट्रैक्टर कंपनी में ये ट्रैक्टर कर सकते हैं हिंगन घाट में, ठीक है, उसमें लिए हेड मैकेनिक का रिक्वायरमेंट है, मैनेजर का रिक्वायरमेंट है, सेल्समैन का है समुद्रपुर हिंगन घाट में, कापसे ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स में आप अप्लाई
कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों मल्टी ऑर्गेनिक्स में और एक रिक्वायरमेंट आई, ये है प्रोजेक्ट इंजीनियर, प्रोजेक्ट इंजीनियर चंद्रपुर में। तो उसके लिए भी आपको 8 से 13 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और बीटेक बी ए एम टेक चाहिए मशीन मैकेनिकल इंजीनियर में या मशीन मैकेनिकल इंजीनियर, ठीक है। आपको ये naukri.com थ्रू अप्लाई करना है। फिर दोस्तों चंद्रपुर में मैसेज टाप है, इसमें चंद्रपुर जिले में सेल्स रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, वो चंद्रपुर मोटर्स एंड ट्रैक्टर्स में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट है वो असिस्टेंट मैनेजर एचआर चंद्रपुर के लिए मल्टी ऑर्गेनिक्स में, ये 6 से 11 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इसमें, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका ग्रेजुएट है और MSW MBA 8 से 10 साल का अगर आपके एचआर में है तो आप naukri.com थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से जॉब हम लोग लाते रहेंगे, और पहला अगर जॉब आपको चाहिए, कोई भी जॉब अगर पहला आपको देखना है, तो उसके लिए आपको मेंबर में आना पड़ेगा, मेंबरशिप लेना पड़ेगा ज्वाइन। थैंक यू दोस्तों, बने रहिए, धन्यवाद।